बाजीरा उड़ी उड़ी जाए की पत्थर की इस सोना का निकलसवा कहां चला गया? सोना का निकलसवा तो मुंह रखे थे, साला कौन ले सकता है? देखा तो कोई आदमी आएगा नहीं, सच्चन लालवा को छोड़ के कौनों नहीं इसको उठा सकता है। साला कुत्ता कमीना हरामी साला। साला हमें ये मती मारी गई थी कि साला कुत्ता रच्चन लालवा पे भरोसा किया, विश्वासघात किया। साले को बता दे कि कमीने का चेला इतना बड़ा कमीना। हमारी जान सीमा कुमारी के लिए एक तो छोटा सा रज्जन लाल की तरफ से कैसा लगा? सुंदर, बहुत ही सुंदर है। काफी महंगा लग रहा है, कितने में लिए? अरे हमारी रानी, दाम का चिंता मत करो, इसका तो अभी कोनो दाम नहीं है। इसका असल दाम तो तब लगेगा जब तुम अपना खूबसूरत गल्ला में इसको पहन के झमका लो। छोड़िए, बात मत बनाइए, दाम बताइए ना। देखने से तो काफी महंगा लग रहा है, बताइए ना कितने में खरीदे? तुम दाम का चिंता काहे करती? आम खाओ, गुठली मत गिनो। ठीक है तो अपने हाथ से पहना दीजिए। ये बात है तो ले आओ। ये कौन सी बड़की बात है? ए ए ए ए अब तुम्हारे गला में जाके अनमोल हो गया, बुझाया? नहीं, अभी नहीं, अब तक हमारी कसम पूरी नहीं हुई है। कसम? कौन सा कसम? पुत्तन अभी भी जिंदा है और हम अपनी माँ की बेइज्जती नहीं भूले रज्जन बाबू। जब तक हम पुत्तन का मरा हुआ मुंह नहीं देख लेते हमको चैन नहीं आए। ओ भाई, आज हमको पता लग गया, लग गया हमको पता कि हमारी जान सीमा कुमारी और हमारा प्यार कितना सच्चा है। हम जो सोचते हैं वही बात हमारी जान भी सोचती है। मतलब? मतलब ही कि हम भी पुतनवा को मारने का प्लान बना रहे हैं। एक बार प्लान बन जाए तो टपकाने में कितना देर लगता है। खाली प्लाने बनाते रहिएगा कि आगे भी कुछ कीजिएगा? अरे नहीं हमारी जान, कुछ का है, बहुत कुछ करेंगे। अरे हम तो सोच रहे थे कि एक बार चारों ओर से निश्चिंत होके आराम से ही काम करेंगे। बाकी अब जब तुम इतना जोर लगा रही हो तो पुतनवा को जल्दी ये खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो।
तुम्हारी कसम। खुश अब तो आ जाओ। अरे अरे सुनो तो देखो देखो हम तुम्हारी सुनो ना। हाँ बोलो। पता है मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग जैसा चाहते थे ना सब कुछ वैसा ही हो रहा है। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। थैंक्स टू दिनकर अंकल। सच में यार अगर दिनकर अंकल नहीं होते ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। हम तो महाराजगंज से निकल भी नहीं पाते। वैसे मेघा आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। एक मिनट कर रही हूँ। अरे बस नहीं ए, नहीं ए, नहीं उदय अभी नहीं। हमारी शादी होने वाली नहीं है इसीलिए तो अभी नहीं। क्या हो गया? Not even a kiss? No, not even a kiss. क्यों? बस नहीं कहा ना। पर मुझे तो किस सही है। बस मुझे किस सही है। एक बार नहीं। अरे कोई नहीं यार। नहीं उदय तो समझ जाते। I don't understand. अरे मेघा क्यों चलिए? एक किसी तो मांग रहा हूँ यार। तुम्हें नहीं का मतलब नहीं समझ में आता है? क्या हो गया यार? एक किस नहीं दे सकती है? फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा मेरा। उदय तू क्या बोलेगा? उदय काम कर। उदय एक बात बताऊंगा, तुम ना बिल्कुल वो महाराजगंज की गांवड़ लड़की हो एकदम। ऑस्ट्रेलिया तुम कभी गई नहीं ना? वही पुराने विचार पुरानी थिंकिंग। शादी से पहले किस ने क्या मतलब है यार ये? और तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? लगता है महाराजगंज के गुंडे हो। होगे क्यों नहीं, डॉन के बेटे जे हो। देखो मेघा मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, बता रहा हूं तुमको। मुझे फालतू बातें पसंद नहीं है सब। मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम जाओ यहां से। I'm sorry. It's okay. I said I'm sorry, yaar. I said it's okay. अच्छा बाबा देखो, sorry. अरे, बस. हो गया? उठ जा. आई. उठो. दे. तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर तुम क्या हो जाए? देखिए संपादक जी,
हम बहुत थक गए हैं। कहिए, आप बताएंगे कि नहीं? चाहे हमारे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दो विजयकांत, हम उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। चाहे हमारा जान ही क्यों न ले लो, तुम उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुम मारो, अगला गोली छाती में जाएगा। एक मिनट, हमको उन दोनों का पता चल गया। चल गया कैसे? संपादक का मोबाइल ऑफ था ना, इसलिए उदय इसको एक SMS भेजा था। इस SMS में उन दोनों की शादी का तारीख और जगह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, दोनों ब्याह कर रहे हैं। अच्छा, कब कहाँ? परसों जबलपुर में। हमरा पास सुनो। आप बहुत ही अनुभवी और समझदार आदमी हैं। वो दोनों बच्चे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आप दोनों कहे उनके रास्ते का रोड़ा बने हो। हमरा बात सुनिए, पीछे कहाँ था? हमरा बात सुनिए। हमारा उन दोनों को शादी करने से मत रोकिए। कानून में उन्हें शादी करने से नहीं रोक सकता। आप कहे अपना घर पर बात करने में लगे। भगवान के लिए उनको शादी कर रहे हैं। मुझे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, कुछ भी करके इस ब्याह को रोकना है। काका, हम तुरंत निकलते हैं। संपादक काका करें। काका, जब तक उन दोनों को पकड़ नहीं लेते, इसको यहीं रहने देते हैं। एक बार उन दोनों को पकड़ लेंगे तब छोड़ देंगे ना इसको। अगर अभी इसको छोड़ दिया तो जबलपुर की गर्मा गर्म चैरिटी। क्या हुआ, ये टेंस क्यों हो? अरे मेघा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार कि हम साथ साथ हैं, पास पास हैं। फिर चेहरा क्यों लटका हुआ है? उदय, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ, बताओ? क्या सचमुच में हमारी शादी हो पाएगी? अब इसमें कोई शक है मेघा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, फिर ये बेकार की फिजूल बातें क्यों सोच रही हो? अरे अब हम लोग भाग के क्यों आए यार? शादी करने के लिए ना? हाँ, अपनी नई जिंदगी बसाने के लिए ना? फिर क्यों सोच रही हो ये सब? एक मिनट, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ। शादी के बाद भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना? मैं गुस्सा हो जाऊंगी, तुम मुझे मनाओगे ना? या मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या हो क्या गया तुम्हें आज? क्या पड़ंग माता कर रहे हो यार? भरोसा नहीं किया मुझ पे? अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ यार। अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगा तुम्हें। सच? कुछ सच कह, कभी अपने आप से अलग नहीं कर। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर विजयकांत को और बाबा को हमारे बारे में पता चल गया ना, तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मेघा, एक बात बताओ, ये कुछ नहीं तुम्हारे मन के अंदर का डर बोल रहा है। अब विजयकांत भैया को कैसे पता चलेगा यार कि हम कहां भाग के आए, कहां छुपे हुए? मेघा, ये सब बातें सोचना छोड़ो और ये सोचो कि जब हम दुल्हा दुल्हन बनेंगे तो कैसे लगेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी भी दुल्हन की किस्मत मेरी जैसी हो। तुम्हें पता है, जब से मैंने शादी की मीनिंग को समझा है ना, तब से मैं यही इमेजिन करती थी कि खूब धूमधाम से मेरी शादी होगी। लेकिन अब मेरा कन्यादान कौन करेगा? अरे चिंता क्यों करती हो मेरी? मैं करूंगा तुम्हारा कन्यादान। तुम्हारी शादी कैसे होगी इसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे गार्जियंस नहीं हुए तो क्या हुआ? अरे हम हैं ना, हम लोग तुम्हारी शादी की सारी रस्में पूरी कर देंगे। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता फिक्र मत करो। भगवान ने चाहा तो हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी शिव मंदिर में पंडित जी के बताए हुए मुहूर्त पर जल्द करवा देंगे। ये तुम्हारे अंकल का वादा है तुम दोनों के लिए। थैंक यू।
बस। क्या हुआ, पता चल गया उन लोगों के बारे में? कहाँ है वो दोनों? जबलपुर में, परसों बाद शिव मंदिर में दोनों शादी करने जा रहे हैं। तुरंत निकलने चले के लिए। अभी तुरंत जा रहे हो? हमारे पापा दोनों जा रहे हैं। चाहे जो भी हो, इस शादी नहीं होने देंगे। ठीक है जाओ, लेकिन एक बात का प्रॉमिस करो मुझसे, तुम वहां कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना मेघा के साथ। वो अभी नादान है, उसे वहां डांटने फटकारने मत लगना प्लीज। प्यार से बात करना उससे, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो हालात चाहे जैसे भी हो, तुम वहां कोई खून खराबा मत करना। तुम मेघा के बड़े भाई हो और वहां पर बड़े भाई वाली गंभीरता दिखा। टाइम मिलेगा तो फोन करेंगे। अरे विजय,